أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ویلکم ٹو 10th اردو کلاس اسٹوڈنٹس امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے بچوں آج ہم سبق جو ہے چغل خور اس کے سوالوں کے جوابات اور خلاصہ لکھیں گے تو نوٹ بک نکالیں آج کی ڈیٹ ڈے لگائیں سبق کا نام لکھیں نیچے لکھیں سوالوں کے جوابات سوال نمبر ایک ہے کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا किसान ने चुगलखोर को रोटी कपड़ा और 6 माह बाद एक चुगली खाने की शराइत पर मुलाजिम रखा या नौकर रखा। सवाल नंबर दो है चुगलखोर ने किसान की बीवी को क्या कहकर बदगुमान किया। चुगलखोर ने किसान की बीवी से कहा कि किसान पौड़ी हो गया है। हर चुगलखोर किस बात को मानने से इनकार करता है। हर चुगलखोर इस बात को मानने से इनकार करता है कि वो चुगलखोर है। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत से क्या नुकसान उठाना पड़ा। चुगलखोर को अपनी बुरी आदत की वजह से नौकरी से हाथ धोना पड़ा। लोक कहानी की मुख्तसर तारीफ कीजिए। लोक कहानी से मुराद ऐसी कहानी है जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो, किसी मुआशरे तहजीब और जुबान का ये किसी यहाँ पे बच्चे लिखें ये किसी मुआशरे की तहजीब और जुबान का कीमती सरमाया होती है। इन कहानियों से मोहब्बत की सदा और खलूस जैसी सिफात परवान चढ़ती हैं और ये कहानी नस्लों की किरदार साजी में अहम किरदार अदा करती है। नीचे हेडिंग दें इसी के नीचे खुलासे की। किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। उसे चुगली की इस कदर आदत थी कि वो इसे छोड़ नहीं सकता था। इस आदत की वजह से उसे अपनी मुलाजमत से भी हाथ धोने पड़ते। जब बात फाको तक आती तो उसने दूसरे गांव जाकर अपनी किस्मत आजमाने का फैसला किया। गांव के एक किसान को भी अपने काम काज के लिए खेती बाड़ी करने वाले आदमी की जरूरत थी। उसने चुगलखोर को रोटी कपड़ा और 6 माह बाद चुगली खाने की शर्त पर मुलाजमत दे दी तो उसने चुगली खाने का इरादा किया। किसान इस शर्त को भूल चुका था। एक दिन वो किसान की बीवी के पास गया और उसे कहा कि किसान कोड़ी हो गया है। उसकी निशानी ये है कि उसका जिस्म नमकीन हो गया है। तुम उसके जिस्म को चाट कर देख सकती हो। फिर वो किसान के पास गया और बोला कि तुम्हारी बीवी पागल हो गई है। वो काटने को दौड़ती है। आज जब वो खेत में आएगी तो उसको आजमा लेना। फिर वो किसान के सालों के पास गया कि तुम सब यहाँ पर आराम से बैठे हो। वहां तुम्हारा बहन होई तुम्हारी बहन को हर रोज मारता है। ये सुनकर उनको गुस्सा आ गया और वो कहने लगे कि हम कल देख लेंगे। इसके बाद वो चुगलखोर किसान के भाइयों के पास गया और उनको कहने लगा कि तुम कैसे भाई हो। तुम्हारे भाई को उसके साले हर रोज मारते हैं। अगर यकीन नहीं तो कल खेत में आकर देख लेना। अब जब किसान की बीवी खेत में आई और वो किसान के जिस्म को चाटने की कोशिश में थी किसान उसकी हरकतों को देख रहा था। उसने उसे मारना शुरू कर दिया। इधर से किसान के साले और भाई भी निकल आए और एक दूसरे को मारने लगे। इर्द गिर्द के खेतों में काम करने वाले भी आ गए और वजह दरियाफ्त की तो सब ने अपनी अपनी बात बताई और सब चुगलखोर को ढूंढने लगे लेकिन वो गांव छोड़कर भाग चुका था क्योंकि उसको डर था कि किसान और उसके भाई उसे
नहीं छोड़ेंगे। यहाँ तक बच्चों हमारे सबक नंबर 7 के सवालों के जवाब और खुलासा मुकम्मल हुआ। इसके इक्तबास की तशरीह आपका होमवर्क है, तो पैराग्राफ नोट कर लें। यहाँ पे यहाँ से सबक शुरू होता है, उसके सेकंड पैराग्राफ देखें। अगले वक्तों की बात है, किसी गांव में एक चुगलखोर रहता था। यहाँ से लेके चौथी लाइन पे देखें, चुनाचे वो बेकार था। यहाँ तक आपने इसके इक्तबास की तशरीह खुद करनी है, ये आपका होमवर्क है। हमारा आज का काम मुकम्मल हुआ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।